नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 मई दिन गुरुवार। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का होगा निर्माण। बिहार के 35 शहरों में नीट यूजी की परीक्षा का होगा आयोजन। हीरा मंडी में सोनाक्षी सिन्हा का किरदार लोगों को आया पसंद। देश के जाने माने सर्जन पद्मश्री डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद ने दुनिया को कहा अलविदा। बिहार में इस दिन से बारिश की जताई जा रही है संभावना। आईपीएल 2024 में आज राजस्थान और हैदराबाद की टीम के बीच होगा मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निकाली गई भर्ती की बड़ी अंतिम तारीख। नवोदय विद्यालय समिति ने नॉन टीचिंग के 1377 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 7 मई कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार navoday.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए अलग अलग पदों पर अलग अलग शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया गया है। उम्मीदवारों का चयन परीक्षा, इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का होगा निर्माण। बिहार के सरकारी स्कूल खासकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में बने विद्यालयों में स्विमिंग पूल का निर्माण किया जाएगा। इसकी मदद से छात्र और छात्राओं को तैराकी में दक्ष बनाया जाएगा। उन्हें तैराकी की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसकी मदद से वो बाढ़ के समय में खुद का बचाव कर सकेंगे, साथ ही आसपास के डूबने वाले लोगों की भी हर संभव मदद कर पाएंगे। जानकारी के अनुसार आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश पर भवन निर्माण विभाग ने स्विमिंग पूल का प्रारूप और उसकी अनुमानित लागत को तय कर लिया है। प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाने के बाद इस योजना के ऊपर आगे काम किया जाएगा। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे मीर कासिम के गुफा के बारे में। इसे रहस्यमय गुफा के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण मीर कासिम द्वारा मुंगेर में करवाया गया था। ये गुफा करीब 250 साल पुराना है। इसका निर्माण मीर कासिम ने खुद को और मुंगेर को अंग्रेजों से सुरक्षित रखने के लिए करवाया था। इस गुफा को सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ से प्रशासन द्वारा श्री कृष्ण वाटिका का निर्माण करवाया गया है। इस पार्क में मीर कासिम के बेटे और बेटी का मकबरा भी देखने को मिल जाएगा। यदि आप मुंगेर आते हैं तो यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं। बिहार से कई राज्यों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। बिहार में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है। इस कारण रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेन के परिचालन का फैसला लिया है। यशवंतपुर गया समर स्पेशल का परिचालन 4 मई से किया जाएगा। हुबली मुजफ्फरपुर समर स्पेशल 28 मई तक चलेगी। ये पुणे के रास्ते होकर चलेगी। कोचुवेली बरौनी समर स्पेशल झाझा धनबाद रांची राउरकेला पेरम्बूर कोयम्बटूर के रास्ते 4 मई से चलेगी। मैंगलोर सेंट्रल बरौनी ट्रेन का 5 मई से परिचालन होगा। उदयपुर सिटी कोलकाता उदयपुर सिटी समर स्पेशल अजमेर जयपुर आगरा कैंट कानपुर प्रयागराज डीडीयू गया धनबाद के रास्ते 5 मई से चलेगी। बिहार के 35 शहरों में नीट यूजी की परीक्षा का होगा आयोजन। बिहार के 35 शहरों में नीट यूजी की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मालूम हो कि देश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स में नामांकन के लिए 5 मई को नीट का एग्जाम होगा। इस परीक्षा में बिहार के 39,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा। परीक्षा में प्रवेश करने से पहले छात्रों की कई स्तर पर जांच से गुजरना होगा। इसके बाद छात्रों को परीक्षा में एंट्री मिलेगी। जिला प्रशासन की ओर से परीक्षा के दौरान सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जाएगी। देश के जाने माने सर्जन पद्मश्री डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद ने दुनिया को कहा अलविदा। देश के जाने माने सर्जन और पद्मश्री डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। देश भर के जाने माने चिकित्सक उनके निधन से शोक व्यक्त कर रहे हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि चिकित्सा जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। बताया जाता है कि 91 साल की उम्र में डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद ने पटना स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली है। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह ने कहा है कि पूरे देश भर में डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद सिंह जैसे सर्जन काफ़ी कम हुए हैं। वे मेडिकल काउंसलिंग के मेंबर रह चुके हैं और बिहार मेडिकल काउंसलिंग के प्रेसिडेंट रहे हैं। उनकी तरह का सर्जन होना काफ़ी मुश्किल था। अरब के लोग चखेंगे शाही लीची का स्वाद। बिहार के मुजफ्फरपुर के शाही लीची का स्वाद अब अरब के लोग चखेंगे। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के शहरों में शाही लीची की मांग बढ़ चुकी है। ऐसे में कई लोग शाही लीची का स्वाद चख सकेंगे। इसे लेकर बड़ी मार्केटिंग चेनू लुलू मॉल की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बार वहां से 2 गुना लीची की डिमांड की गई है। इसको लेकर तैयारी जारी है। फ्लाइट में बुकिंग शुरू कर दी गई है। फिलहाल लीची के कारोबार के लिए स्थिति अच्छी है।
मुजफ्फरपुर के शाही लीची का स्वाद आपको कैसा लगता है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। मास्टर लिस्ट से ऐसे बुक करें ट्रेन का टिकट। लाखों लोग प्रतिदिन ट्रेन से सफर करते हैं। ट्रेन के सफर को सबसे सुरक्षित और सबसे सस्ता माना जाता है। कई बार ट्रेन का टिकट मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग तत्काल टिकट का सहारा लेते हैं। अधिक भीड़ के कारण ये नहीं मिल पाता है। ऐसे में टिकट को कन्फर्म किया जा सकता है। IRCTC पैसेंजर्स को मास्टर लिस्ट बनाने की सुविधा देता है। मास्टर लिस्ट के जरिए फटाफट यात्रियों की डिटेल को भर लिया जाता है। इससे बुकिंग में कम से कम समय लगता है और टिकट के कन्फर्म होने की संभावना में इजाफा हो जाता है। मास्टर लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले IRCTC के ऐप पर जाना होगा और माई अकाउंट के विकल्प को चुनना होगा। इसके बाद माई मास्टर लिस्ट पर जाना होगा। एड पैसेंजर्स पर क्लिक करके इस पर डिटेल भरनी होगी। इसकी सहायता से बुकिंग के समय टिकट कन्फर्म होने से अधिक चांस होते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन से 10 लाख में से सिर्फ 7 लोगों को हो सकता है साइड इफेक्ट। कोविशील्ड वैक्सीन से संबंधित एक राहत की खबर सामने आई है। दरअसल भारत में कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था। इसके बाद ICMR के पूर्व वैज्ञानिक की ओर से राहत देने वाली खबर सामने आई है। इसमें कहा गया है कि कोविशील्ड टीके को लेकर किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। इसके साइड इफेक्ट दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में होते हैं। डेटा की जानकारी देते हुए कहा गया है कि ये साइड इफेक्ट 10 लाख में से 7 या 8 लोगों को ही हो सकता है। कुछ लोगों को ही हार्ट अटैक या ब्लड क्लॉटिंग जैसे परेशानी होती है। बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हज यात्रा को लेकर हुई समीक्षा बैठक। बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा की अध्यक्षता में हज यात्रा 2024 के सफल आयोजन को लेकर बैठक हुई है। इस बैठक का आयोजन गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सभा कक्ष में हज भवन पटना के पदाधिकारियों, सचिव, अल्पसंख्यक विभाग, वरीय पुलिस अधीक्षक, जिला स्तरीय पदाधिकारी के बीच हुआ है। इसमें ये जानकारी दी गई है कि आगामी 26 मई से लेकर 1 जून तक हज यात्रा संभावित है। इसमें कई लोग गया हवाई अड्डे से रवाना होंगे। ऐसे में हज यात्रियों की सुविधा के लिए कई तरह के काम किए जाएंगे। इनके लिए फ्लाइट से लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के छात्रों को अब ऐसे मिलेगा प्रमाण पत्र। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रमाण पत्र देने के लिए नई व्यवस्था तैयार की गई है। नए कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी की ओर से ये पहल की गई है। अब यूनिवर्सिटी के छात्रों को अपने प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में जमा करने के लिए भटकना नहीं होगा। छात्र और छात्राएं अब ऑनलाइन मोड में सॉफ्ट कॉपी को जमा डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं। इस फैसले के बाद छात्रों को काफ़ी आसानी हो जाएगी और ऑनलाइन ही आवश्यक कागजात को जमा करके डिग्री को प्राप्त कर सकेंगे। हीरा मंडी में सोनाक्षी सिन्हा का किरदार लोगों को आया पसंद। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया कर दिया गया है। इसके बाद कई लोगों ने इसे देखा और इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। लोगों को बिहार के सोनाक्षी सिन्हा का किरदार इसमें खूब पसंद आ रहा है। इनके अलावा बिहार के शेखर सुमन और उनके बेटे अध्ययन सुमन का किरदार भी लोगों को खूब भा रहा है। सोनाक्षी सिन्हा के द्वारा अपने रोल को बखूबी निभाया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दर्शक उन्हें काफ़ी बढ़िया रिव्यू दे रहे हैं। इसे संजय लीला भंसाली के बाकी प्रोजेक्ट्स के जैसे ही मास्टर पीस बताया जा रहा है। समस्तीपुर में पुलिस ने 12 लाख से अधिक के कैश को किया बरामद। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस एक्टिव मोड पर है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में समस्तीपुर जिले की पुलिस ने 12,27,000 रुपए कैश को बरामद किया है। अलग अलग रूटों पर बैरिकेडिंग करने के बाद जिले के खानपुर इलाके की पुलिस ने इलमास नगर इलाके में एक स्कॉर्पियो में बैठे एक व्यक्ति से करीब 12,27,000 रुपए कैश को जब्त किया है। इस मामले में रुपए के स्रोत की जाँच के लिए इनकम टैक्स को शामिल किया गया है। जाँच के बाद ये जानकारी साफ हो पाएगी कि रुपए का स्रोत सही है या इन रुपए को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाना था। बिहार में इस दिन से बारिश की जताई जा रही है संभावना। बिहार में लगातार मौसम विभाग भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन प्रदेश में आने वाले 5 से 7 मई तक लगातार प्रदेश के अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक आज का मौसम शुष्क रहने वाला है। बिहार के जमुई, भागलपुर और बांका जिले में कुछ स्थानों पर लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, नालंदा, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले में कुछ स्थानों पर गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है। वंदे भारत मेट्रो का पहला लुक आया सामने। वंदे भारत एक्सप्रेस देने के बाद अब वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का पहला लुक सामने आ चुका है। जल्द ही इसे लॉन्च किया जा सकता है। बताया जाता है कि शुरुआती दौर में 50 वंदे भारत मेट्रो ट्रेन को लॉन्च करने की योजना तैयार की गई है।
इसे बढ़ाकर 400 मेट्रो ट्रेन किया जाएगा। जल्द ही देश में पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। इसका ट्रायल जुलाई के महीने में किया जाएगा। इसके बाद ये ट्रेन पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी। ये अत्याधुनिक ट्रेन देश के 12 बड़े और मंझौले स्टेशन से चलाई जाएंगी। इसके बाद यात्रियों को यात्रा करने में आसानी होगी। पटना समेत देश के 30 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। बिहार की राजधानी पटना समेत देश के 30 ठिकानों पर सीबीआई की रेड हुई है। जानकारी के अनुसार बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े करोड़ों के फर्जीवाड़े के मामले में सीबीआई ने रेड मारी है। बताया जाता है कि फर्जी गिरोह ने ऐप के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। फर्जी निवेश योजना के मामले में केस दर्ज होने के बाद सीबीआई की ओर से ये कार्रवाई की गई है। सीबीआई के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस छापेमारी में लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम और डेबिट कार्ड आदि को बरामद किया गया है। पवन सिंह पर केंद्रीय मंत्री आर के सिंह भर के। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने काराकाट की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री आर के सिंह पवन सिंह पर भड़क गए हैं। इन्होंने कहा है कि पवन सिंह को पार्टी से निकालिए या इन्हें चुनाव में बैठने के लिए बोलिए। आर के सिंह ने आगे कहा है कि काराकाट की लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा हैं और उनके खिलाफ खड़ा होने वाले एनडीए का विरोधी होगा। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ खड़ा होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोधी है। उपेंद्र कुशवाहा की जीत पर नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत होगा। पवन सिंह अगर चुनाव में नहीं बैठते हैं तो उन्हें पार्टी से निकालना उचित होगा। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को लेकर कही ये बात। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर कहा है कि वो संपन्न दलित हैं, इन्हें अब आरक्षण छोड़ देनी चाहिए। वो आरक्षण क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि भाजपा के नेता बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्हें ज्ञान का अभाव है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया था लेकिन उनके ही विचारों का विरोध किया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने बिहार में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का किया वादा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया है। सहरसा में बीते दिन डिप्टी सीएम ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हम लोगों ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का प्रोजेक्ट तैयार किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर बिहार में युवाओं को 10 लाख नौकरी नहीं देते हैं तो अगले साल विधानसभा के चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार सहित पूरे देश में विकास नया आकार ले रहा है। देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रधानमंत्री के कार्य की शैली की प्रशंसा की जा रही है। हीना साहब ने राजद पर बोला हमला। सिवान लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हीना साहब ने राजद पर जमकर हमला बोला है। इन्होंने कहा है कि राजद साहबुद्दीन का नहीं हुआ तो और लोगों का क्या हो सकता है। बीते दिन पूर्व सांसद साहबुद्दीन की बरसी पर हीना साहब ने कहा है कि राजद कहता है कि साहबुद्दीन मेरे पार्टी के नेता थे लेकिन आज के दिन पर कोई भी पटना में नहीं आया है। यही नहीं, पार्टी के कार्यालय में भी साहबुद्दीन की पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती है। हीना साहब ने कहा है कि राजद के पोस्टर में सिर्फ साहबुद्दीन की तस्वीर नजर आती है लेकिन वो उन्हें श्रद्धांजलि नहीं देते हैं। आईपीएल 2024 में आज राजस्थान और हैदराबाद की टीम के बीच होगा मुकाबला। आईपीएल 2024 के 50वें मैच में आज राजस्थान और हैदराबाद की टीम के बीच मुकाबला होगा। ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर राजस्थान की टीम 9 में से 8 मैच में जीत हासिल करके पहले स्थान पर है। राजस्थान के 16 अंक हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को पहले से और बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। ये टीम शीर्ष 4 स्थान से बाहर हो चुकी है। 4 मैचों में जीत और 4 मैचों में हार का सामना करने के बाद ये टीम अंक तालिका में 5वें स्थान पर है। वहीं आज के मैच में क्या होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आपके अनुसार क्या हैदराबाद की टीम आईपीएल 2024 में टॉप 4 में क्वालिफाई कर पाएगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। 2 मई वर्ष 1955 में पहली बार भारत ने अस्पृश्यता से उत्पन्न अपराधों के लिए सजा का प्रावधान किया था। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अगर कोई भी किसी के खिलाफ अपराध करता है तो उसे कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आज के दिन वर्ष 1968 में लोकसभा ने सार्वजनिक भविष्य निधि विधेयक पारित किया था। सार्वजनिक भविष्य निधि भारत में बचत एवं कर बचत करने के लिए प्रयुक्त एक जमा योजना है। आज के दिन विश्व हास्य दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 1921 में सत्यजीत राय का जन्म हुआ था। ये पेशे से एक फिल्म निर्देशक थे। आज के दिन वर्ष 1896 में वीके कृष्णा मेनन का जन्म हुआ था। ये पेशे से एक वकील थे।
आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे मोबाइल टावर लगाने को लेकर वायरल हो रहे इस लेटर के बारे में। कई लोगों के पास TRAI के नाम से एक लेटर भेजा जा रहा है। इस लेटर में दावा किया जा रहा है कि मोबाइल टावर लगाने के लिए 5,000 रुपए आपको देने होंगे, लेकिन आपको बता दें कि ट्राई के नाम से वायरल हो रहा है ये मैसेज पूरी तरह से फर्जी है। ट्राई द्वारा ऐसे कोई भी लेटर जारी नहीं किए गए हैं। इस खबर को PIB ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है, जहां इसे फर्जी बताया गया है। बैंक के लॉकर में रखे सामान के चोरी होने पर या आग लगने पर मुआवजा के जाने नियम। बैंक में सामान रखना सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन कई बार बैंक में रखे हुए सामान चोरी हो जाते हैं या फिर आग लग जाने के बाद आपका सामान जल जाए तो बैंक आपको कितना मुआवजा देता है, इस बात की जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। बैंक में रखे हुए सामान की जिम्मेदारी बैंक की होती है, ऐसे में सामान चोरी हो जाने या गुम हो जाने पर इसे बैंक की लापरवाही मानी जाती है और बैंक की ओर से आपको मुआवजा दिया जाता है। बैंक में चोरी डकैती आदि हो जाने की जिम्मेदारी बैंक की होती है। बैंक को आपके लॉकर के सालाना किराए के चार्ज के 100 गुने का भुगतान करना होता है। आग लगना भी बैंक में लापरवाही मानी जाती है, लेकिन बाढ़, भूकंप या फिर बिजली गिरना बैंक की लापरवाही नहीं होती है। ऐसे केस में मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है। NCTE के 4 साल के कोर्स ITEP में आवेदन की बढ़ी तिथि। NCTE के 4 साल के कोर्स ITEP में आवेदन की तिथि में इजाफा किया गया है। इसके लिए 15 मई तक आवेदन किया जा सकता है। 15 मई तक ही छात्र फीस का भुगतान कर सकते हैं। इस कोर्स के माध्यम से देश के अलग अलग संस्थानों में नए 4 वर्षीय ITIP में दाखिल लिया जा सकेगा। मालूम हो कि इस कोर्स के माध्यम से 12वीं पास छात्र 4 साल के BA, BEd, BSc, BEd और BCom, BEd में नामांकन करा सकते हैं। जानकारी के अनुसार साल 2030 में 4 वर्षीय BEd या 4 साल के एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ITEP डिग्री धारक ही शिक्षक बन सकेंगे। इच्छुक छात्र वेबसाइट https://nceet.samrat.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसको जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे नए प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 26 अप्रैल, ऑप्शन बी है 28 अप्रैल, ऑप्शन सी है 27 अप्रैल, ऑप्शन डी है 30 अप्रैल। इसका सही उत्तर है 28 अप्रैल। हाल ही में NIPFP ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए है 3.2%, ऑप्शन बी है 5.3%, ऑप्शन सी है 7.1%, ऑप्शन डी है 7.9%। इसका सही उत्तर है 7.1%। हाल ही में किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है बंधन बैंक, ऑप्शन बी है हिताची पेमेंट सर्विस, ऑप्शन सी है लक्ष्मी बैंक, ऑप्शन डी है एयरटेल पेमेंट बैंक। इसका सही उत्तर है हिताची पेमेंट सर्विस। बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है 1937 में, ऑप्शन बी है 1947 में, ऑप्शन सी है 1949 में, ऑप्शन डी है 1950 में। इसका सही उत्तर है 1950 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सारण के पुलिस थाने को जला दिया था? ऑप्शन ए है कुलानंद वैदिक ने, ऑप्शन बी है श्याम बिहारी लाल ने, ऑप्शन सी है जगलाल चौधरी ने, ऑप्शन डी है जयप्रकाश सिंह ने। इसका सही उत्तर है जगलाल चौधरी ने। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दें उनके नाम है विकास दास, पंकज कुमार दास, जितेंद्र ठाकुर, बंटी शर्मा, मोहम्मद साकिर हुसैन, पवन सिंह, रंजीत मिश्रा, नंद कुमार सिंह, राकेश कुमार, चंदन दास, कोनर शर्मा, आतिक खान, रवि कुमार राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार राज्य के ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए? हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।